हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकिन नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। आई एम मिसेस दीपिका सिंह, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, हम चलते सीना तान के, जिसे लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। यह प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखे गए कविता है। कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। इस रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम, देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। आइए पहले इस कविता को पढ़ते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। आइए अब इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है कि हमारे धर्म अलग हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हमारी जातियां अलग हैं, हमारे वर्ण अलग हैं। वर्ण मतलब हम गोरे, काले, गेहुआ, सब रंग के हैं, और हम अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर के तट क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, हम भारत माता के सपूत, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। दूसरा है, हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है हम देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी से हम अपनी गोद में ममता समानता, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है, वो उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया, हम उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना चाहते हैं, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भारत माता के सपूत, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे, चलते सीना तान के। यहाँ पे पुरखों का मतलब है पूर्वज। इसका अर्थ है कई शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी फूलों को चढ़ाया है, मतलब जो मेहनत करके जो फूलों को चढ़ाया है, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने सिर कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, भारत के सपूत, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं।
हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चत्ते सीना तान के। यहाँ पर निशान का तात्पर्य हमारे झंडे से लिया गया है, हमारे तिरंगे से लिया गया है। इसका अर्थ है युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएं, हम भले ही मर जाएं, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी भी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं, देश के लिए शहीद हो जाएं, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं, जब भी बलिदान का मौका होता है हम सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका अर्थ है हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पाठ में आए शब्द अर्थ। मरुस्थल, रेगिस्तान, रजकण, धूलिकरण, एहसान, उपकार, पुरखे, पूर्वज, समर, युद्ध, मुहावरा, सीना तान कर चलना या गर्व से चलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।